सिविल अस्पताल में लैब टेक्नीशियन द्वारा पैसे लेकर 70 वर्षीय मृत व्यक्ति का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आया। लैब टेक्नीशियन द्वारा पैसे लेने का वीडियो निजी चैनल के कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की तरफ से मामले में 3 सदस्यीय डॉक्टरों की जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो कि आगामी 2 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। पलवल सिविल अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत सुदर्शन नामक कर्मचारी ने 1500 रुपये लेकर मृत व्यक्ति का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बना डाला, जबकि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के स्वास्थ्य विभाग के रजिस्टर में कोई भी एंट्री नहीं दर्शाई गई। लैब टेक्नीशियन द्वारा लिए गए पैसों का वीडियो एक निजी चैनल के कैमरे में कैद कर लिया गया। इस मामले में COVID-19 के टीकाकरण नोडल अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल 3 डॉक्टर्स की जांच कमेटी बनाई गई है, जो कि आगामी 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जो भी कर्मचारी जाँच में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि पैसे लेकर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाला लैब टेक्नीशियन सुदर्शन नामक कर्मचारी है। वहीं लैब टेक्नीशियन सुदर्शन ने कैमरे के सामने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि पैसे लेकर सर्टिफिकेट बनाया गया था। इससे पूर्व इस प्रकार का उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। उसे लगता है कि उसे फंसाने की साजिश की जा रही है। उसमें मुझे कुछ भी नहीं पता, जहाँ तक है वो जो लोग थे वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने जो है उनसे पूछा भी कि किस लिए तुम बनवा रहे हो ये सर्टिफिकेट। जो है क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था सर ये कैसे भी करके मुझे बनवा दो, घूमने जाना है और उसके लिए जो है बनवा दो। कहाँ घूमने? बाहर, मतलब बाहर घूमने के लिए कह रहे थे। और जो सर्टिफिकेट बना वो किस नाम से वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट था? कहाँ के रहने वाले थे क्या? सर वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, और उसके बारे में मुझे भी पूरे डिटेल में नहीं पता कुछ भी। क्या नाम था सर्टिफिकेट था उसका, जिसके नाम से बनाया था? सर नाम तो मैंने उसमें देखा नहीं था, बाकी जब सर्टिफिकेट जब बन के आया जो है उसमें जब देखा तो उसमें सर्टिफिकेट नाम था। और पैसे भी ऑफर करे थे आप? उन्होंने कुछ पैसे भी देने की कोशिश करी, मैंने मना भी करा था कि ये नहीं हो सकता ऐसा जो है, और ऐसा करना जो गलत है कि हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी दी जा रही है तो उसी पर हम सब। फिर भी आपको पैसे गिनते हुए उन्होंने और किया? उनने मेरे हाथ में पैसे देने की कोशिश करी, मैंने उनको मना भी करा कि ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, और ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। आरोप है इससे पहले भी ऐसा होता रहा यहाँ पे? इससे पहले मैंने सर कभी नहीं करा ऐसा जो है, और ये जो है मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो रिकॉर्ड मिलेगा इसका, जिस तरह से ये आपने रजिस्ट्रेशन किया है, इनका सर्टिफिकेट बनाया? इसका सर रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता, इसका जो है देखने को अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन जो करते हैं उनके पास शायद नहीं होता। कितने बजे की घटना है सर? ये दोपहर की घटना है सर, ये टाइम तो एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है। एक ही बनवाया था उन्होंने, कई बनवाए थे उनने? सर एक ही बनवाया था, और उसमें भी जो है मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला गया जो है, जिसके बारे में मुझे अभी तक भी पता नहीं था। आपने अपने उच्च अधिकारियों से कोई बातचीत की है? किस तरह की बातचीत आपकी आपके उच्च अधिकारियों से? जांच की जा रही है इस मामले में अभी अधिकारियों से? अभी अधिकारियों से कोई बात नहीं हो पाई है सर, अभी जैसे भी होगा मंजूर वो देखो। आपको लग रहा है गलती हुई आपसे? गलती तो मुझसे हुई है सर, वो चाहे अनजाने में कह लो चाहे वैसे कह लो वो हुई है। कि वीडियो सामने आ रहा है हॉस्पिटल के कर्मचारी वैक्सीनेशन के एवज में पैसे लिए जा रहे हैं और बिना मरीज के वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या मामला है? ये जो वीडियो का संज्ञान मेरे कल शाम को ही मेरे संज्ञान में भी आया है कि यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन कोई हुआ है, उसमें दिखाया जा रहा है कि एक कर्मचारी है, देखने से वो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी ही लग रहा है, परंतु हमारा पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम उसको पहचान कर उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि भविष्य में कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का टीकाकरण में ओल झोल ना कर सके। पैसे गिनता हुआ आ रहा है, पता चला है कि जो मृत लोग हैं उनका वो सर्टिफिकेट दिया गया है कोविड का, कोविड से उनकी डेथ हुई है, क्या मामला है? अब तक क्या जाँच की आप लोगों ने? नहीं, उसमें कोविड के डेथ का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, जैसे कि वीडियो में साफ स्पष्ट सुनाई दे रहा है
किसी ने उनसे रिक्वेस्ट की उस कर्मचारी से कि हमारा ये है, इनका टीका लग चुका है, उसका सर्टिफिकेट इशू कर दो, तो उसने वो सर्टिफिकेट इशू किया है, जो कि एक गलत प्रक्रिया है। इसके मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और पूरी तरह से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऐसा अब तक के जांच में पता चला कितने लोगों का ऐसे सर्टिफिकेट दिए गए हैं, कितने पैसे लेते थे एक सर्टिफिकेट देने का? नहीं, अभी तक हमारी जांच में ऐसा कुछ नहीं आया है। आज ही इस बारे में कमेटी बनाई गई है, सीएमओ सर द्वारा कमेटी बनाई गई है, और जल्द आज ही हम ये जाँच शुरू करके जल्द ही सारे तथ्यों को अपने सामने रखेंगे। आज कहाँ है वो जो आपका एम्प्लॉय है? आज हमने भी देखा वहाँ पे है नहीं, फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। यह एम्प्लॉय मेरे DIO ऑफिस के अंडर नहीं आता है, यह शायद जो एम्प्लॉय हमें लग रहा है, हम पहले ढूंढना पड़ेगा कि है सुदर्शन बताया जा रहा है उसका। हाँ, सुदर्शन है, उसको देखते हैं किसके अंडर आता है, और जिस भी अधिकारी के अंडर आता है ये वहाँ से संज्ञान में लाया जा सकता है कि वो आज अनुपस्थित है या लीव लेकर गया है, वो अभी हम देख लेंगे कि वो कहाँ पर है और उसको जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। तो इस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं और कितने समय में कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी? कमेटी में 3 डॉक्टरों के नाम शामिल है, वो नाम अभी नहीं बता पाऊंगा, पर हम 2 दिन के अंदर इस पूरे कार्य पूरे तथ्यों को सामने लाकर इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।